व्हाट्सअप गाइस, लॉन्च हुआ बैक हियर विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट ड्राइंग स्टिक यूजिंग आर्डिनो। तो कुछ इस टाइप से वर्क करेगी, जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल आएगा तो इसमें लगा हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा एंड बजर जो है बीप करेगा, जिससे कि जो पर्सन इसको लेके चल रहा होगा वो अलर्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको ये ड्राइंग स्टिक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। So before starting the video, let me just show you a small demonstration for how this blank stick works. So let's see. So अभी आपने देखा कि ब्लाइंड स्टिक कैसे वर्क करती है। सो अब हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए एंड इसे कैसे बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्लाइंड स्टिक बनाने के लिए हमको चाहिए होगा एक आर्डिनो यूनो, कोड को ट्रांसफर करने के लिए एक डाटा केबल, अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसका नंबर है HC-SR04, एक बजर जिसके एंड पे मैंने कनेक्ट करी है मेल जंपर केबल्स, मेल टू फीमेल जंपर केबल्स, 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर जिसके एक एंड पे मैंने कनेक्ट करा है मेल DC जैक। सो अब हम देखते हैं ब्लाइंड स्टिक को कैसे बनाना है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर में जंपर केबल्स को अटैच कर लिया है। सो मैं आप बताता हूँ इसकी पिन्स कौन सी है। जो फर्स्ट पिन है जो कि ग्रीन कलर की है, ये है ग्राउंड। सेकंड जो ग्रे कलर की है वो है एको पिन। जो थर्ड ब्लू कलर की है वो है ट्रिक पिन एंड लास्ट वन इज द VCC। सो सबसे पहले मैं ग्रीन यानी कि अपने ग्राउंड के कनेक्शन करता हूँ। तो ग्राउंड के कनेक्शन करूंगा मैं ग्राउंड पिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई यहाँ पर लिखा है पावर। देन मैं कनेक्शंस करूंगा एको के, एको को लगाऊंगा मैं डिजिटल पिन नंबर 12 में। उसके बाद कनेक्शंस करूंगा मैं ट्रिक पिन के विच इज द ब्लू वन, उसको लगाऊंगा मैं पिन नंबर 13 में एंड VCC के कनेक्शन करूंगा मैं 5 वोल्ट्स में। सो यहाँ पर हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सो अब कनेक्शंस करूंगा मैं बजर के। सो जो व्हाइट वाली है वो है पॉजिटिव एंड द ब्लैक वन इज नेगेटिव। सो ब्लैक वायर जो कि नेगेटिव है ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा मैं उसको। एंड जो वाइट है जो कि पॉजिटिव है उसको कनेक्ट करूंगा मैं डिजिटल पिन नंबर 6 में। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे इसमें ट्रांसफर कोड को। सर्किट डायग्राम एंड कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो आप वहां से उनको देख सकते हैं। सो हम ट्रांसफर करते हैं इसमें कोड को। सो गाइस, कोड ट्रांसफर करने के लिए आप फोन या मोबाइल किसी का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अभी फोन का यूज करूंगा। आने वाली वीडियोस में आपको लैपटॉप से भी दिखा दूंगा कैसे कोड ट्रांसफर करते हैं। सो मोबाइल से कोड ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है आर्डिनो ड्रॉइड। सो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लूंगा। सो इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे कोड ट्रांसफर कैसे करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोन में आपको ओपन कर लिया है एंड फोन में मैंने OTG को अटैच करा है। उसके बाद आर्डिनो एंड फोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रेड कलर की लाइट जल रही है। अब मैं बताता हूँ कि हमें आर्डिनो में इस ऐप की हेल्प से कोड को कैसे ट्रांसफर करना है। लेट्स सी। सो गाइस, अब मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। अब इसमें मैं कोड को पेस्ट करूंगा जिसको मैंने पहले से कॉपी कर रखा था। अब मैं इसे करूंगा कंपाइल, ये जो लाइटनिंग जैसा सिंबल है उसको टच करके। यहाँ पर कंपाइलेशन फिनिश। अब हम करेंगे कोड को अपलोड एंड यहाँ पर जो डाउन आ रहा है वो सिंबल आ रहा है उससे हम इसे अपलोड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी अपलोडिंग भी हो चुकी है फिनिश। सो काफ़ी सिंपल सा था प्रोसेस कोड को अपलोड करने का। कोड जो है डिस्क्रिप्शन में। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है।
कोड अपलोड करने के बाद मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है आर्डिनो में, एंड मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रेड लाइट चल रही है, मतलब कि इसमें पावर सप्लाई आ रही है। एंड इसके सामने मैं जैसे हैंड लाता हूँ सो ये बीप करता है। सो अब हम इसको अपनी ब्लाइंड स्टिक पर लगाएंगे एंड इसे टेस्ट करेंगे। सो अभी आपने देखा कि ब्लाइंड स्टिक कैसे वर्क करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।